नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी की खास पेशकश मेरी भी सुन हाई कमान। आज हमारे इस खास शो में है बेरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के भावी उम्मीदवार संदीप सिंह। संदीप सिंह जो कि अमेरिका में एक अपना बिजनेस करते थे, फिर वो इंडिया में वापस आए और बेरी के लोगों के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की है, उसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। धन्यवाद संदीप जी। आपके पीछे संदीप सिंह डीजी युवा, आखिरकार इस डीजी युवा का क्या मतलब है कि आपने अपने पीछे डीजी युवा लगाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीजी युवा मैंने नहीं लगाया, ये मेरी सम्मानित खापों के बड़े बड़े नेताओं ने, अहलावत खाप का, दलाल खाप का, देसवाल खाप का, बड़े बड़े डीगल में एक रैली करी थी हमने। हमने डीजी युवा मुहिम मैंने एक शुरू करी है, बेसिकली बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनलिटी डेवलपमेंट सिखाने का और बच्चों को रोजगार के काबिल बनाने का रूरल यूथ में, जिसमें टैलेंट बहुत है बट सामर्थ्य नहीं है। तो हमने निःशुल्क एक योजना शुरू की है कि बच्चों को ये मुहिम, ये बच्चों को सिखाएं और उनको रोजगार के काबिल बनाएं और रोजगार दें गांव के अंदर। इसका नाम रखा है एट होम ऑफिस, जैसे यू में यूएस में वर्किंग फ्रॉम होम होता है, इन बच्चों को करें। इसके तहत हमने 4 सेंटर खोले, दुहेड़ा, चारा, डीगल और बेरी के अंदर। तो डीगल की जो रैली थी, जहाँ पे बच्चों को हमने स्क्रीन टेस्ट लिया, पहले हजारों की तादाद में युवा हमसे जुड़ चुके हैं, स्क्रीन टेस्ट हो चुका है, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमने वहाँ पे घोषणाएं की, नौकरियों की भी घोषणा की। मेरे NRI दोस्त मेरे साथ आ गए हैं जो पर मंथ $150 देंगे और बच्चों को हम नौकरियाँ देंगे। तो वहाँ पे मेरी सम्मानित खापों के जय सिंह अलावत हैं, दलाल खाप के मास्टर सिंह जी हैं और हमारे स्पोक्स पर्सन दलाल खाप के हैं, देसवाल खाप के प्रधान। उन्होंने कहा, बेटा देसवाल, तेरे जैसा बच्चा अगर अमेरिका का ग्रीन कार्ड छोड़ के माने प्रधानमंत्री, माने मुख्यमंत्री के सपनों के देश, हम सब के सपनों का देश जो बनाने के में आपने जो ग्रीन कार्ड छोड़ के आगे ये मुहिम स्टार्ट की है, तो बेटा हम तेरे को इस दलगत राजनीति से ऊपर उठाते हैं, खापों की राजनीति से, कि काजान का है, अहलावत का है, दे तू किसी का नहीं है, तू महारा है। आज से तेरा नया नामकरण है संदीप सिंह डीजी युवा। ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? ये आइडिया ऐसे आया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना लिया है कि हमारा देश डिजिटल हो, क्योंकि हमारा देश 65% यूथ है, 30% हमारा देश 30 साल की उम्र के हैं बच्चे, और 21वीं सदी में डिजिटल मार्केटिंग में ये हमारा एक कॉन्फिडेंस भी और ये फैक्ट भी है कि 21वीं सदी डिजिटल सदी है, उसके अंदर मैक्सिमम जॉब्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर में जो भी काम है उसके अंदर है। तो क्यों ना मैं, जो हमारी मेरा बिजनेस था मेरी कंपनी का सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्यों ना मैं अपने रूरल यूथ को ये चीज़ सिखाऊं और उन बच्चों को गांव में मंडे टू फ्राइडे सिखाएं और जॉब कराएं और एक दिन उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें, सो दैट दे कैन कम्पीट विद द सिटी गाइस। कितने बच्चों को रोजगार दिया है संदीप जी आप? ये अभी हमने शुरू किया है, हमने ऑलमोस्ट 4-5-6 हज़ार बच्चा बहुत जुड़ गया हमसे, टेस्ट लिया, उनको ट्रेनिंग, हम 1000 बच्चों का एक बैच इकट्ठा स्टार्ट होगा 4 सेंटर में, उनको सिखाएंगे। और मैंने 40 नौकरियों का भी ऐलान किया है और 200 नौकरियां हम जल्द इसके बाद देने वाले हैं। और माने मुख्यमंत्री जी का अगर आशीर्वाद रहा, माने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हम जैसे युवाओं पर रहा, तो हम 1000 नौकरियां पूरे प्रदेश में देने का काम करेंगे। जी, ये चुनाव लड़ने का नया हथकंडा तो नहीं अपनाया आपने कि युवाओं को इकट्ठा कर लिया जाए और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इनसे मदद मिले? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दागा, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं तो समाज सेवा में, जो मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रोफेसर 12 के प्रधान और झज्जर नंबरदार के जो चेयरमैन है, वो 30 साल से हमारे समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस बच्चों की एक योजना लेके आया कि मेरे गांव का बच्चा जहाँ से मैं पल बढ़ के गया, तो मैं उनको कुछ सिखा के अगर रोजगार के काबिल बना पाऊँ तो मुझे सुकून है। मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं तो राजनीति के थ्रू समाज सेवा करने आया हूँ, वरना मेरी तो ऐशो आराम की अच्छी जिंदगी, अच्छा बिजनेस अमेरिका में चल रहा था। संदीप जी, आप अमेरिका में गए, हिंदुस्तान से उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की, अच्छे बिजनेसमैन बने, मतलब आने के बाद क्या सूझा कि आपको फिर दोबारा से जीरो से आप हीरो बने, हीरो से फिर आप जीरो बनने की तैयारी में, फिर आप उसी छोटे से गांव के अंदर आ गए, उन बच्चों के साथ रोजगार की योजना स्टार्ट कर रहे हैं? आपने दो क्वेश्चन दागे हैं कि आपको क्या, 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कैंडिडेट बने, तब हमने परिवार में बात की, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता था और मैं गीता स्कूल में 9वीं 10वीं में पढ़ा हूँ, जो RSS की विचारधारा का और हमारे राष्ट्रभक्ति विचारधारा का स्कूल है, वहाँ से राष्ट्रभक्ति थी मेरे अंदर। अमेरिका में लोग मुझे यूँ कह के बुलाते थे, मेरे दोस्त, के मोदी आ गया, मोदी आ गया, क्योंकि मैं मोदी सर को जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से फॉलो करता था, एंड आई रियली लाइक दिस गाय बिकॉज वो हमारे इतने सम्मानित और जो अपना जीवन जिन्होंने पूरा त्याग कर दिया अपने राष्ट्र निर्माण के लिए। मोदी क्यों कहते थे आपको? वो
क्या कारण था मोदी मुझे इसलिए कहते थे, मैं उनको बोलता था कि यार ये इंसान हमारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये इंसान प्रधान, वो कहते क्या खास बात है, मैंने कहा गुजरात जाके देखो अब कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से, एक ऐसा इंसान जिसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। तो ऐसा इंसान जैसे वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हमने फ्लाइट पकड़ी, हम घर में आए, हम ईमानदारी से आपके सामने बताते हैं कि उससे पहले हमारा परिवार भी दूसरी विचारधारा का था, कांग्रेस का। 14 में आए, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मोदी साहब की वोट डाली, बाकी परिवार ने नहीं डाली, वो दूसरी विचारधारा के थे। ये पिछले 6 साल पहले की बात है। आपके पिताजी, आपके पिताजी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, पिछले 50 सालों से आपके दादा, आपके पिताजी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप भी समाज सेवी हैं, तो राजनीति में उतरने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाई साहब, राजनीति में उतरने की इसलिए जरूरत है, हम जैसे युवा नहीं आएंगे। जब मैंने 17 में अपना ग्रीन कार्ड त्यागा, मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था कि मैं अमेरिका का जो 20-20, 30-30, 25-10-10 करोड़ देने को जाने को तैयार है लोग अमेरिका में, वो ग्रीन कार्ड मैंने 17 में तागा त्याग कर दिया, उसका सरेंडर कर दिया बाय विल। 17 में मैंने एक बहुत बड़ा रेरा जीएसटी का सेमिनार किया था, मैं अखबार मीडिया की सुर्खियां बना था, उन्होंने लोगों ने सोचा ये मोदी के साथ कौन खड़ा हो गया, हमने कहा नहीं, हम ऐसे इंसान के साथ खड़े हुए हैं जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, हम मनोहर जी के साथ खड़े हैं जो हमारे प्रदेश निर्माण में लगे हुए हैं। बेरी विधानसभा की जनता को ऐसा आपने कौन सा सपना दिखाया है, आपका विजन क्या है बेरी विधानसभा को लेकर, और जो स्थानीय विधायक ने अभी पिछले 10 सालों में भी नहीं किया, जो आप 6 महीने में करके दिखाए? वो हमने कर दिया, हमने डीजीओ नाम करके संस्था खोली, बच्चों को रोजगार की मुहिम में जोड़ दिया, सारा युवा हमसे जुड़ गया। और डीजी युवा नहीं है, युवा सक्षम होगा तो सशक्त राष्ट्र होगा, सुखी परिवार होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मेरा भी नारा है कि हम युवा को सक्षम करेंगे, बच्चा नौकरी पे जाएगा। आज जुए में, शराब में, दारू में बच्चा ताश खेलों बैठा भटका हुआ है, प्लस टू पास बच्चों को हम अगर ये सिखा के उनको एक रास्ते पे लाएंगे तो मान के चलो सारा प्रदेश हमारे साथ। मनोहर लाल जी को आपने डीजी युवा से अवगत कराया? मनोहर लाल जी का वो आपने डीकल में देखा, हमारे माननीय गृहमंत्री जी इतने सम्मानित, मैं उनका इतना आदर सम्मान करता हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने पूरे भाषण में, और मुख्यमंत्री जी की मुस्कान आपने देखी जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उन्होंने हमारा नाम ही वहाँ से सम्मानित रथ यात्रा से संदीप सिंह डीजी हुआ करके किया, वो इसलिए किया कि माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया हमने, और उन्होंने इतना अच्छा हमें आशीर्वाद दिया कि बेटा सच्ची में तेरे जैसे युवा, क्यों, क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं, वो इंसान ऐसा अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है कि लिटरली मन करता है कि वो इंसान बोले हर हमको सुने। बात कांग्रेस की कर लेते हैं, पिछले 10 सालों में बेरी का क्या विकास नहीं हुआ? भाई साहब कुछ नहीं हुआ, अब वो तो वो एक शोले पिक्चर थी ना, उनके साथ तो वो हो गया, शोले पिक्चर में असरानी बोलता है आधे इधर आधे इधर आधे मेरे पीछे, अब यही डायलॉग हुड्डा साहब ने मारा था, आधे इधर बाद में देखा कोई नहीं है, बाप बेटा खड़े मिले कोई नहीं है, भाई साहब भीड़ भीड़ आती है, वोट नहीं दे रहे, देखो क्या हालत हुई है। और जेजेपी को कहाँ देखते हैं आप? भाई साहब परिवारवाद की राजनीति है, उससे लोग ऊपर उठ चुके हैं, कोई नाम नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं घर में यार, अपने बड़ों का सम्मान नहीं है, कुछ छोटा कहता मैं बनूंगा, बड़ा कहता मैं, उनको यही नहीं पता कि प्रदेश को कहाँ लेके जाना, वो अपने ही लड़ाई। अभी रोहतक की रैली में कादियान साहब ने एक पगड़ी वाला जो इश्यू बना, उसमें आप कहाँ देखते हैं उनको? भाई साहब बुरा मत मानना, मेरे बड़े हैं, फिर मुझे दुख होता है, लीडर्स को दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पीपल, मुझे दिल से दुख हुआ कि इतने बड़े आदमी यार बोले दिग्गज है, क्या दिग्गज है, उनको ये नहीं बोलना कि सेंसिटिविटी क्या है, एक छोटी सी बात एक लीडर की बोलना, लीडर हैज़ टू बी वेरी सेंसिटिव, उनको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी एक जबान पता नहीं कितने लोगों में आग लगा सकती है, उनको यही नहीं पता जात धर्म, 36 बिरादरी हमारी आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ है, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, उनको यही नहीं पता हमें बोलना क्या है, वो चमची के चक्कर में, हुड्डा साहब की चमची के चक्कर में, उनको यही नहीं पता बोलना क्या है, तो नहीं हमें दुख होता है, बड़ा दुख हुआ। हुड्डा जी ने इतना बड़ा घोषणा पत्र निकाला, 4-4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कि जनता उनको कहाँ देखती है, ये अपने वजूद को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया? भाई साहब घोषणा पत्र तो घर में बैठ के कोई बना ले, कोई आधार नहीं है, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं, कहीं हाथ मुझे नजर ही नहीं आए, सारे कमल नजर आए, तो कितना ही घोषणा पत्र बना लो। अरे हमारे वो मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्य देखो, आज हर जॉब में हर नौकरी में ट्रांसपेरेंसी ला दी, अब घोषणा पत्र बना दिया, 4 बिरादरी, तो भाई साहब 36 बिरादरी को कौन जोड़ेगा, क्या 4 ही बिरादरी चलाएंगी, नहीं, हर बिरादरी सम्मानित है, 36 बिरादरी साथ हम अपना प्रदेश बनाएंगे माननीय मनोहर लाल जी की अगुवाई में और माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की अगुवाई में, ऐसा राष्ट्र निर्माण करके दिखाएंगे, हम जैसे युवा आएंगे और हम उनके कंधे से कंधा मिला के, इनका जीवन अब ऑलमोस्ट ये लगा लो घरों में ही रह गया जी, और से ज़्यादा कुछ नहीं, घोषणा ही करेंगे अपने घरों में, और से ज़्यादा कुछ नहीं। संदीप जी, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने उस सभा में ये भी कहा था कि हरियाणा का सबसे बड़ा अगर नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भाई साहब
आपको क्या लगता है भाई साहब, एक लिमिट है कोई? वो कह दिया उन्होंने अपने, मैं बता दिया ना भाई साहब, घर में कुछ भी बोलते रहे। अरे बड़ा लीडर तो हमारा वो है जो आज रथ पे घूम रहा है, जन जन से आशीर्वाद ले रहा है, जन जन को आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है, हम जैसे युवाओं को आशीर्वाद दे रहा है, और जिन्होंने 10 की 10 हमारे माननीय प्रधानमंत्री झोली में 10 सीटें डाल दी आशीर्वाद, तो भाई साहब बड़ा लीडर तो वही है, वो इतिहास हो गए। उनको अगर वो समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना आपकी बार लोग हरियाणा विधानसभा में 75 नहीं 85 पार करा के उनको ऐसा घर बैठा देंगे। संजीव जी, आपने कहा कि रोजगार आपका पहली आपकी प्रायोरिटी रहेगी और जिसके लिए आप काम भी कर रहे हैं, जिसके लिए आप डीजी युवा आपने शुरुआत करी है, लेकिन आपकी विधानसभा में और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे लोग, जिन समस्याओं से लोग वंचित हैं, क्या उनके बारे में भी आपको जानकारी है या फिर केवल रोजगार ही एक आपकी प्राथमिकता है? किसी ने कहा था नया है, मगर नया कोई नहीं है। क्या हमारे मुख्यमंत्री आए, लोगों ने कहा नए? नए नहीं है, 40 साल का संघर्ष है। क्या हमारे प्रधानमंत्री नए? नहीं, संघर्ष है 50 साल का। तो भाई साहब मेरा भी संघर्ष है। मेरे पिताजी प्रोफेसर रिटायर्ड, 12 गांव के मुखिया, लंबरदार झज्जर एसोसिएशन के चेयरमैन, सबसे मतलब ऑलमोस्ट ये माओ मोस्ट सम्मानित पीपल हैं, इस यहाँ के आदमी हैं हमारे क्षेत्र के। तो उनकी विचारधारा में नया थोड़ी ना हो, मैं भी पुराना उनके साथ ही गांव में आता जाता। 2005 से लगातार मैं हर साल अपने देश में आया, कोई सा साल ऐसा नहीं था जो मैं अपने देश के अंदर नहीं आया। मैं आया, अपने क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों की समस्याएं भी सुनता हूँ। मुझे बताया कहीं उन्होंने कि हमारे यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, और हमारे यहाँ पे इतनी समस्या, पानी की है, बिजली, बहुत समस्याएं हैं। बट कितना 5 साल में किया है, अगले 5 साल में जो मुख्यमंत्री लिस्ट बना रखी कामों की, आप विश्वास करें वो इतनी बड़ी है, मुझे महीना लग जाए गिनते गिनते, और वो हम लोग करके दिखाएं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी अभी एक संकल्प यात्रा भी निकाल रही है जो लोगों से सवाल जवाब कर रही है कि यदि कोई भी ऐसी समस्या है वो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। संदीप जी, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि भाजपा जो है 5 साल में और भी ऐसे कई विकास कार्य हैं जो मुख्यमंत्री लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए भाजपा एक संकल्प पत्र भी तैयार कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी आपका घोषणा पत्र होगा वो आप जारी करेंगे। किस तरह के जनता से सुझाव मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी विधानसभा के बारे में बात? जनता से सुझाव मिल रहे हैं, वो हमारी लीडरशिप उसको देख रही है, हम जैसे लोग भी जनता के सुझाव वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि जो जो हमारी समस्याएं जन जन की। देखो समस्या तो हर कंट्री में होती है, पर हम जैसे युवाओं का काम है कि उसमें जाएं, लोगों में समस्याएं सुने और वहां तक पहुंचाएं। तो हमारी लीडरशिप उस पर बैठ के काम कर रही है और जन जन की समस्याएं सुनी जाएंगी, उसके बाद उस पर घोषणा पत्र ऐसा बनेगा जो 76 बिरादरी को लेके, साथ लेके हमारे प्रदेश और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा, इतना अच्छा घोषणा पत्र होगा कि आपके सामने आने वाला है। संदीप जी, मनोहर लाल जी हर मंच पर पर्ची और खर्ची के खेल पर बोलते हैं, पर्ची और खर्ची का खेल है क्या? पर्ची और खर्ची का बड़ा गदर खेल था भाई साहब, 70 साल से चल रहा था। मतलब कि कहने का ये है, इतना गदर खेल था, 70 साल से चल रहा था। मुझे लोग वैसे ही मोदी मोदी मनोहर मनोहर नहीं करते थे, अब वही मेरे दोस्त कहने लगे, संदीप यार तेरे को चिढ़ाते थे मनोहर बोल के, मोदी बोल के। पर सच्ची बात भाई, हम भी अब तो भगवान में हो गए, अमेरिकन की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब बिना पर्ची मतलब नेताओं का साइन, भाई इसको नौकरी ला दो, और खर्ची मतलब तड़े तड़े ये पैसे ले लो। आज आप इस बात के गवाह, में ठोक के कह सकता हूं वो अटैचिया बंद होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी दरबार में पैसे लेके तो चला गया, तो भाई साहब अंदर गया वो। आपको लगता था कि पिछले सरकारों में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद की राजनीति होती दबा के, भाई साहब बड़ा दुख होता था। अमेरिका बैठ के ये करते थे सारे बैठ के, यार कब हमारे जैसे लोगों की सोच के हमारे नेता आएंगे। और सही में वो दिन दूर नहीं था जो हमने वहां मेहनत करी, हम भी सोशल मीडिया खूब रन करते थे कि हमारा सारा देश जुड़े साथ में, पर भाई साहब उसके रिजल्ट आए, सबकी मेहनत के रिजल्ट आए और सारा देश हमारी विचारधारा से जुड़ गया। संदीप जी, जिस बेरी विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, भाजपा की, वो भी कहा जाता है कि भाजपा की टिकट मिलना इस समय तो कोई मतलब ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है, टिकट लेके आना नहीं, बहुत सिंपल है भाई साहब। आज मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बराला जी, आप ये बात आप अच्छे से जानते हैं, बहुत आसान है। कार्यकर्ता जो काम करेगा, जो समाज सेवा करेगा, जिसमें समाज का नाम होगा, समाज जिसको इज्जत देगा उसको टिकट देंगे वो, और वो उनका कार्य क्षेत्र है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब हमारी पार्टी नेतृत्व पे आशीर्वाद मिलता है तो हम तो कमल खिलाएंगे ही, नहीं मिलता है तो हम तो अपने जो भी हमारा कैंडिडेट होगा सबसे पहले संदीप देसवाल खड़ा मिलेगा उसके साथ। कहा जाता है कि पार्टी में जब राजनीति में जब आते हैं तो बड़े नेताओं का आशीर्वाद जरूरी होता है, आपके ऊपर आशीर्वाद है नेताओं का? भाई साहब देखो, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। मैंने अपनी बात अपने कुछ नेताओं पे रखी है, शायद मैं सबसे मिल भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे को क्या हो रहा है, मैं अपना कर्म करूँ। मेरे साथ जनता है,
मेरे साथ आज सब ने आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना काम करना चाहता हूं। तो आप ये मान के चले, अपने आप पता लग जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ने यही तो कहा कि काम करो भाई, बताने की जरूरत नहीं, हमें दिखता है। तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। आज माने मुख्यमंत्री रथ यात्रा में अगर हमारा संदीप सिंह नाम DGU पुकारा गया तो इसका मतलब हमारी बात चली गई वहां तक। आपको लगता है कि समाज नीति आप कर रहे हैं, राजनीति में अब आप आए हैं, तो ऐसे ही आपको राज मिल जाएगा? आपकी नीति तो चलो बनी हुई है, लेकिन राजनीति में टिकट आपको लगता है कि समाज नीति के तहत मिल जाएगी? देखो, समाज नीति के तहत वो तो हमारे लीडरशिप का एक वो है कार्य क्षेत्र, मेरा नहीं है वो। जिसको भी सम्मान देंगे हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मुझे सम्मान मिलता है तो मैं तो कमल खिला के मानूंगा, नहीं मिलता है तब भी कमल खिलाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको टिकट अगर हाईकमान नहीं देती है? आपने जो मुहिम चलाई हुई है DGU, आप बहुत बच्चों को रोजगार दे रहे हैं अपने विधानसभा में, ये जो कि सुनने में भी आ रहा है, काफ़ी युवाओं को आपने जोड़ दिया है, कहीं फिर दोबारा से अमेरिका की वापसी हो जाए? भाई साहब, यही तो कमाल है। 2017 में अमेरिका का ग्रीन कार्ड बाय इज्जत अमेरिकन एम्बेसी में जाके साइन करके सरेंडर किया वाइफ ने, हमने बाई विल किया है। अगर वो सरेंडर नहीं करते, जाने के रास्ते रास्ते ही बंद कर दिए, क्योंकि आप जैसे भाई ने कहा था अब रास्ते बंद हो गए, दूसरा देश चुन लोगे आप? अरे भाई साहब, जो अमेरिका होया तो फिर वो किसी भी देश में जाता। अच्छा, एक और मेरा इतिहास खंगालेंगे, क्रेडिबिलिटी और मिलेगी। मेरी वाइफ ने एक ही कंपनी में नौकरी करी, कंपनी नहीं बदली, हम एक देश में गए उसी में रहे, एक प्रदेश में आए वहीं है। भाई साहब, कभी जिंदगी में गलत ऐसा काम करा ही नहीं कि हमारे ऊपर। आप पूरा बिजनेस छोड़ के आए, आपकी पत्नी भी वहां पर जॉब करती थी, आपका खुद का बिजनेस था, इतना बड़ा जो कि महीने का जितना भी आपकी आमदनी होती थी उस सबको छोड़ करके आप भारत में आए, तो आखिरकार आपको लगता है कि उसके बाद भी अगर राजनीति में जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, एक निराशा अगर हाथ में लगती है तो फिर दिल दुखता है कि राजनीति में आपको अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो एक दिल दुखेगा, तो वो चीज़ आपके साथ राजनीति के लिए नहीं बने, सेवा के लिए बने हैं। आप ये समझो, एक एक टिकट मिलके मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं बन जाऊंगा। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे खुशी होगी कि मैं एक नेतृत्व लोगों का कर पाऊंगा, समाज सेवा को बड़े लेवल पे मैं कर सकता हूँ। बाकी भाई साहब, ये नहीं है, अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अपना कर्म करते जा रहे करते जाएंगे। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उसके नाते हम काम करते आ रहे हैं 4 साल से, आगे भी करते रहे। संदीप जी, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और अपनी हाईकमान से क्या अपील करना चाहते हैं? बस मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का काम जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है दिल से किया, तो सबसे अपील करता हूँ कि आपकी बार 85 पार कर आगे माने। और दूसरी बात, मैं अपने बारे में, देखो एवरीबॉडी हैव द राइट टू से, मतलब सबका अपना राइट है। तो मैं तो माने प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हम जैसे युवाओं को चांस मिलता है राजनीति में, तो पूरे विश्व में इंडियन कम्युनिटी में एक लहर जाएगी कि हमारे देश में जो ब्रेन ड्रेन हुआ, हम जैसे युवा जो आज अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो वो प्रदेश को आगे लाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ राजनीति, हम अपना कोई व्यापार बनाने नहीं आए, हम तो समाज सेवा करने आए। अगर हमें आशीर्वाद मिलेगी तो हम कंधे से कंधा मिला के इस राष्ट्र जी, जी, मेरा लास्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री की जो जन आशीर्वाद यात्रा इस समय चल रही है पूरे प्रदेश में, किस तरह से आप देख रहे हैं और बेरी विधानसभा में किस तरीके से स्वागत हुआ है जन आशीर्वाद? इतना भारी हुआ है, आपने देखा, मैंने डीगल में किया, मेरे बच्चों ने बोला DGU ने सर आपने सेंटर खोला है, हम अपने पेरेंट्स को लाना चाहते हैं। तो मेरा सारा डीगल के आसपास के गाँव का DGU बच्चा और उनके माँ बाप वहाँ आए। अब अपने दुलेड़ा गांव में आप देख रहे हो अपनी आंखों से कितना जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सारा बेरी विधानसभा क्षेत्र से मेरे परिवार की प्रतिष्ठा, मेरे पिताजी का प्रतिष्ठा और मेरे काम पे आज सारा विधानसभा बेरी यहाँ पे आपके सामने खड़ा हुआ है। देखिए संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। ये थे बेरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के भावी उम्मीदवार संदीप सिंह, जिन्होंने बताया कि उनका बेरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के क्या विजन है। यदि हाईकमान उनको इस बार मौका देती है तो बेरी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य करेंगे। फिलहाल वो DGU के तहत सभी युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हमारे इस खास शो में बस इतना ही, अगली बार और किसी भावी उम्मीदवार से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।